हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड इवनिंग कैसे हैं आप लोग एंड अभी हमारा जो चैप्टर है लेंसेज वाला डायग्राम फॉर्मेशन बाय लेंसेज वी हैव ऑलरेडी डन इट हम एक बार इसको कर चुके हैं मैंने डायग्राम्स बोर्ड पर बना के दिखाए थे आपको बट आई वॉन्टेड कि ये डायग्राम्स थोड़ा सा और अच्छे से मैं इनको डायग्राम में ही एक्सप्लेन कर पाता तो थोड़ा सा आपको उसमें और ज़्यादा से क्लैरिटी आती तो उस क्लैरिटी के लिए लेट्स गो फॉरवर्ड फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय बायसेस और इमेज फॉर्मेशन बाय बाईस के लिए जो हमारे पास रे डायग्राम रहते हैं वो रे डायग्राम के प्रिंसिपल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ तो उसमें नहीं रुकेंगे कुछ लॉज हैं हमारे वो हम आपको बता देते हैं तो फर्स्ट लॉ है कि अरे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो रे डायग्राम का जो डायग्राम बनता है वो सेंटर से बनता है इसलिए ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी आप सरफेस पर ना करके यहाँ से बीच में से बनाएंगे जब बीच में से बनाएंगे तो रेज जो है वो स्ट्रेट निकल जाती हैं। रेट स्ट्रेट निकलने का मतलब अगर रेज स्ट्रेट निकल रही हैं तो डेट पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट थ्रू विच द रेज ऑफ लाइट पास अंडेविएटेड नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में कि अगर रे ऑफ लाइट पैरल आ रही हैं तो पैरल आने के लिए फोकस कौन सा होगा तो कहता है अगर रेज पैरल आ रही है तो अगर कॉन्वेक्स लेंस है विल पास थ्रू द फोकस एंड कॉन्केव लेंस के केस में विल अपियर टू बी कम आउट फ्रॉम फोकस ये अपियर होगा कि ये फोकस से बाहर निकल रही है तो पहला केस है कि फोकस से जाती है और दूसरा केस है दे अपियर टू बी कमिंग आउट फ्रॉम द फोकस नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट और जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में कि वट इज फर्स्ट फोकस तो भाई फर्स्ट फोकस क्या है फर्स्ट फोकस क्या है फोकस फ्रॉम विच अ पॉइंट फ्रॉम विच द रेज ऑफ लाइट कमिंग बिकम पैरल रेज ऑफ लाइट बिकम पैरल आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती हैं, पैरल हो जाएं, तो उस पॉइंट को आपने क्या कह दिया उसके लिए हमारे पास जो वर्ड आएगा डेट विल बी द फर्स्ट फोकस जिससे रेज आ रही है और पैरल हो रही है या जिसकी तरफ आ रही है फिर पैरल हो रही हैं तो जिससे आ रही हैं फिर पैरल हो रही हैं जिसकी तरफ आ रही है फिर पैरल हो रही हैं दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड फर्स्ट फोकस अब हमारे पास नेक्स्ट केस आ जाता है कि भाई इमेजेस कितने तरह की होती हैं हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं इमेज फॉर्मेशन दो तरह का होता है एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज तो भाई रियल इमेज क्या है जहाँ रेज ऑफ जो लाइट है वो एक पॉइंट पर एक्चुअली मीट करती हैं उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं वहाँ पर उस जो इमेज बनती है डेट इज कॉल्ड रियल इमेज उसको हम रियल इमेज बोलते हैं

तो केसेस कौन कौन से हैं उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो पहला केस है इमेज फॉर्मेशन बाय द बाय द ऑब्जेक्ट एट कहां पर रखी है कहता है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है इन्फिनिटी से आने वाली रेज जो हैं, वो कहां इमेज बनाती हैं? दे फॉर्म द इमेज एट फोकस वो इमेज कहां फॉर्म करती हैं फोकस पर करती हैं और फोकस पर बनने वाली जो इमेज होती है स आप देख लें कि यहां से ऑब्लिकली लाइट फॉल हो रही है और इमेज फॉर्मेशन हो रहा है कहां पर फोकस पर तो यहाँ पर केस क्या है तो कहता है जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एक कौन सी इमेज होती है तो हीज इट इज रियल इट इज इनवर्टेड इट इज डिमेनिस्ड इट इज फॉर्मड एट द फोकस और इसके एप्लीकेशन क्या है तो के लिए बोलता है, बर्निंग ग्लास या फिर कैमरा लेंस की तरह से काम करता है तो कैमरा लेंस बहुत दूर की ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट पर फोकस कर दे कैमरा लेंस की तरह काम करेगा और या फिर बर्निंग ग्लास की तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक जगह इमेज मिल गई एक जगह रेज कलेक्ट हो गई सेकेंड केस आता है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू तो भाई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू का केस क्या है पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे उस लाइन से आप रिफ्रेक्शन दिखाएंगे इमेज बन रही है वो इमेज कौन सी है तो कहता है रियल इमेज है इन्वर्टेड है और उसके बाद कहां पर बनती है कहता है बिटवीन एफ एंड टू एफ बनती है यहां पर एक और का केस समझ लीजिएगा एप्लीकेशन क्या है तो कॉन्वेक्स लेंस का ये जो एप्लीकेशन है वो क्या है ये एप्लीकेशन ये है कि जहां दूर ऑब्जेक्ट रखी है उसकी एक इमेज आप स्क्रीन पर ऑप्टेन करते हैं वो वाला केस हम लोग यूज करते हैं फोटोग्राफी में हम इसको यूज करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट एट टू एफ अगर ऑब्जेक्ट आपकी टू एफ पर रखी है पैरेलल रे चली फोकस से पास हुई ऑप्टिकल सेंटर वाली स्ट्रेट गई एंड इट इज फाइनल इमेज एट टू एफ ये जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है कहता है टू एफ पर बन रही है कैसी इमेज होगी तो भाई जवाब आता है रियल होगी इन्वर्टेड होगी और उसके साथ साथ एक और चीज़ समझना है कि ऑफ सेम साइज है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टू एफ पर है इमेज भी टू एफ पर बनती है ये बिल्कुल चीटिंग वाला मामला है बिल्कुल इक्वल इमेज बनती है और इसका एप्लीकेशन समझते हैं मैं अप्लीकेशन की बात कर लूँ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप फॉर इरेक्टिंग द इन्वर्टेड इमेज अगर आपके पास कोई इन्वर्टेड इमेज है और उसको सीधा दिखाना है उल्टी इमेज को सीधा दिखाने के लिए हम किस को यूज करते हैं कहता है ये वाला केस यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है टू एफ पर और जो इमेज कहाँ बन रही है वो भी टू एफ पर बन रही है लेकिन बस फर्क इतना है कि उल्टी ऑब्जेक्ट की सीधी इमेज या सीधी ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज हमारे को प्राप्त होती है और अगला केस आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर कॉन्वेक्स लेंस तो भाई कॉन्वेक्स लेंस के अंदर एक और केस आ गया मेरे पास कि जब ऑब्जेक्ट कहां रखी गई है कहता है एफ और टू एफ के बीच में रखी गई तो एफ और टू एफ में ये भी मैंने ड्रॉ करके दिखाया था ऑब्जेक्ट बीच में रखी गई पैरेलल रे पासिंग थ्रू फोकस ऑप्टिकल सेंटर वाली गोस थ्रू स्ट्रेट लाइन और उसके बाद एक इमेज बनी है दैट इमेज इज फॉर्मड बियॉन्ड टू एफ जो इमेज बनी है डेट इज फॉर्म्ड कहाँ बनी है कहता है बियॉन्ड टू एफ और इसका केसेस क्या है कहता है रियल है इन्वर्टेड है मैग्नीफाइड है और उसके बाद बियॉन्ड टू एफ इमेज बन रही है इससे अगला केस आ जाता है मेरे पास में कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी गई है कहता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर द ऑब्जेक्ट एट एफ ऑब्जेक्ट एफ पर रखी है रे फोकस से गई ऑप्टिकल सेंटर वाली स्ट्रेट गई और जो इमेज बनी वो कहा बनती है कहता है एट वाली जो इमेज है रियल है हाईली मैग्नीफाइड है और कहा बन रही है कहता है है एट पर बनती इन दिस मैनर द कॉन्वेक्स लेंस इज यूज इन एज अ कॉली मैंने आपको दिन भी एक्सप्लेन किया था कॉलीमैटर क्या है कॉलीमैटर स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर यूज किया जाता है जिसमें आप एक पैरल बीम लाइट की क्रिएट करते हैं तो पैरल बीम क्रिएट करने के लिए आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट को लाइट को आप कहा जाता है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड के बीच में रखी गई है, और जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो हमारे पास कहाँ होगी क्या इमेज साइज इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ा होगा और जो इमेज फॉर्मेशन है ये बिटवीन एफ एंड ओ है इमेज जो है बहुत बड़ी बनती है और ये जो केस आ जाता है इस केस को आप क्या बोल देते हैं ये केस बनता है हमारे पास में किसका ये केस बनता है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट इमेज के पास लेकिन यूज रीडिंग यूज करते हैं मैग्निफाइंग ग्लास की तरह यूज करते, करते हैं एक माइक्रोस्कोप की तरह यूज करते हैं टाइनी ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं और इससे अगला केस आ जाता है हमारे पास में कॉनकेव लेंस के फॉर्मेशन तो कॉन्केव लेंस का क्या केस है जरा समझते हैं कॉन्केव लेंस के अंदर आपको यूँ समझना है अगर पैरल रेज आ रही हैं तो विलम पैरल तो इसका काम क्या है एक डाइवर्जिंग लेंस है एक पहले वाला जो लेंस था वो कन्वर्जिंग लेंस था ये वाला जो लेंस है वो क्या है लाइट को डाइवर्ज करता है डाइवर्ज का मतलब क्या लाइट को फैलाता है तो पैरल रेज विल अपियर टू बी कमिंग आउट फ्राम द फोकस सेकंड केस आ जाता है मेरे पास में सेकंड केस आता है कि अगर रेज टूवर्ड्स फोकस आ रही हैं तो इसमें रे डायग्राम पहला केस रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट कहां पर रखी गई है वेरी लार्ज डिस्टेंस तो वेरी लार्ज डिस्टेंस का मतलब होता है कि रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी दे विल मीट एंड दे विल फॉर्म एन इमेज एट फोकस और जो इमेज बनेगी ये इमेज वर्चुअल होगी इरेक्ट होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी अगेन आई एम रिपीटिंग वर्चुअल होगी इरेक्ट होगी हाईली डिमिनिश्ड होगी और ये वाला केस हम यूज करते हैं कहां पर कहता है दूर की ऑब्जेक्ट को जब पास में इमेज बनानी होती है तो वहां हम यूज करते हैं किसका है कॉन्केव लेंस का केस है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रे डायग्राम कॉन्केव लेंस का कॉन्केव में ज्यादा रे डायग्राम होते भी नहीं है दो ही है पहले एक बता दिया एक वाला केस है ऑब्जेक्ट रखी है बियॉन्ड ऑन टू एफ पैरल रह गई तो कहाँ गई कहता है फोकस से निकलती हुई अपियर होती है ऑप्टिकल सेंटर वाली स्ट्रेट आती है और एक इमेज बनी एंड इमेज इज ए डैश बी डैश एंड इज वर्चुअल इमेज वर्चुअल है इरेक्ट है हाईली डिमिनिश्ड है और बिटवीन एफ एंड ओ बनती है तो ये मेरे पास केस आता है और इसको यूज कहाँ करते हैं कहते हैं स्पेक्टिकल्स के अंदर शॉर्ट साइटेड पर्सन शॉर्ट साइटेड कौन होते हैं शॉर्ट साइटेड वो होते हैं जिनको पास का क्लियर दिखता है दूर का क्लियर नहीं दिखता वो कौन से होते हैं शॉर्ट साइटेड तो हम लोग जो हैं अधिकतर लोग शॉर्ट साइटेड छोटे बच्चों में आपको शॉर्ट साइटेड मिलेंगे जिनको पास का पढ़ाई तो ठीक कर लेते हैं पर दूर का क्लैरिटी नहीं है तो वहां पर आपके पास शॉर्ट साइटेड वाला केस आ जाता है तो ये हमारे कुछ रे डायग्राम्स हैं किसके कॉनकेव लेंस के और कॉन्वेक्स लेंस के लेकिन मेरे को इसमें कुछ एक दो क्वेश्चंस करवाने हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं जरा समझते हैं आपको क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन दिया रहता है वो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन क्या है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं तीन तरह के क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है आप ट्राई कीजिएगा एक बार करके जवाब दीजिएगा करके बना के बताइएगा हमने कहा क्या है कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखी है इसको हमने ओ दिया है इसको नाम दिया है हमने आई क्वेश्चन क्या कहता है लोकेट द लेंस मेजर द फोकल लेंथ लोकेट देंस लोकेट द फोकस एंड मेजर देंथ तीन कमांड आपके पास आए हैं अगेन आई एम रिपीटिंग फाइंड द फोकल लेंथ तो भाई क्या करेंगे अपन इसके लिए हमने कुछ नहीं करना खास काम यहां पर से जो हमारा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है मैं ग्रीन पेन से बना के दिखा देता हूं कि हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करना है तो कंस्ट्रक्शन में आपने आई और को ओ को मीट करते हुए यहां पर एक इमेज बना दी एक लाइन बना दी इसको आपने क्या नाम दे दिया ये लेंस बन गया ये आपका क्या बन गया लेंस बन गया पैरल रे है अब पैरल रे बनाएंगे इसको फिर आई से मीट करेंगे हम ध्यान रखिएगा इसको फिर हम आई से मीट करेंगे और उसके बाद यहां आगे बढ़ाते चले तो हम क्या लोकेट कर पाए कहता है यहां पर इमेज भी बन गई ऑब्जेक्ट भी बन गई और ये मेरे पास कौन सा लेंस हो गया मुझे समझ आ गया ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया यहीं पर मुझे बताना है कि लेंस लेंस कौन कौन सा है? कह भाई ये है। फोकस कौन सा है 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 भाई ये फोकस जी फोकस ये है फोकल लेंथ कौन सी है ये डिस्टेंस मेजर की जा सकती है ये फोकल लेंथ है तो ये केस आता है मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस का एक क्वेश्चन आ जाता है कुछ नहीं करेंगे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रखी है इमेज रखी है और उसके बाद का काम आपने करना है ऐसा ही एक और क्वेश्चन समझते हैं? अभी भी सेकंड केस में क्या करेंगे कि आपको बता दिया भाई ये ऑब्जेक्ट रखी है और ये इमेज है जी बस जी बस और कुछ नहीं दिया हुआ एंड व्हाट दे आर दे आर कमांडिंग आर कि भाई लोकेट द फोकस लोकेट द लेंस एंड लोकेट द फाइंड द फोकल लेंथ कैसे बताएंगे ऑब्जेक्ट बताइए इमेज बताइए हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज को मीट कर देंगे जहां मीट किया वो पॉइंट जो होगा मेरे पास ये लेंस हो गया पैरेलल रे यहां से गई और उसके बाद फिर आई से मीट हो गई ये फोकस हो गया आपने फोकस लोकेट कर दिया ऑब्जेक्ट लोकेट कर दिया लेंस लोकेट और उसके बाद आपने लेंथ निकाल ली और उस लेंथ को आपने क्या नाम बोल दिया फोकल लेंथ। इस लेंथ को आपने क्या नाम दे दिया फोकल लेंथ नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं एक तीसरा केस और समझते हैं लास्ट केस है इसका वो भी क्लियर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ये रखी थी इमेज ये रखी थी पैरेलल रे चली पहले इन दोनों को मीट करते हुए आप आगे बढ़ाएंगे या आपने एक लेंस लोकेट कर दिया पैरेलल रे चली आई से पास करते हुए आप इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको जब आप पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये आपके पास क्या आ गया फोकस तो एक बात कि आपने फोकस लोकेट कर लिया दूसरी बात कि आपने ऑप्टिकल सेंटर लोकेट कर लिया तीसरी बात कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ हो गया इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या कह दिया फोकल लेंथ कह दिया ये मेरे पास तीन रेडाग्राम्स आ रहे हैं एक दो और तीन हमारे पास तीन रेडाग्राम आ रहे हैं ये हमारा कंप्लीट हुआ पार्ट लेंसेज के और उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास है दैट विल बी एप्लीकेशन ऑफ द लेंसेज थैंक यू